संजीव अग्रवाल इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं गीतांजलि जेम्स के। संजीव शुक्रिया। अभी हम राजेश जी से बात कर रहे थे, राजेश एक्सपोर्ट्स के, वो तो कह रहे हैं कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आप भी यही मानते हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस पे कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा? नहीं, जो एक्सपोर्ट्स और जो डिमांड है आप देखेंगे यूएस डिमांड वैसे ही बढ़ रहा है। पिछले साल रिटेल सेल्स और ज्वेलरी सेल्स और डायमंड सेल्स बड़ा था यूएस मार्केट में, एंड ये साल भी काफी अच्छा रहा है। तो demand for jewelry in the international market and US being the largest market will not be there with the change in political situation at all. ठीक है मिस्टर अग्रवाल, जो करेंसी अभी 500 और 1000 के नोट बंद कर देगी आपको मालूम है इस, क्योंकि अब दो सेक्टर ऐसे हैं रियल एस्टेट और जहाँ पे ज्वेलरी बिजनेस, जहाँ पे करेंसी मतलब कैश में काफ़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कितना बिजनेस पे फर्क पड़ेगा इससे? देखिए कैश में देयर टू रीजंस कैश में ट्रांजैक्शन होता है। ऑब्वियसली वन इज वे पीपल आर होल्डिंग कैश, दे विल बी ट्रांजैक्टिंग इन कैश बिकॉज हमारा इंडियन इकोनॉमी 80% ऑपरेट्स ऑन कैश ट्रांजैक्शंस ओनली। और सेकंड बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जब बड़े आइटम खरीद रहे हो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का, तो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2% और चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस भरने पड़ते हैं। हाँ, और आप अगर 2 लाख का सामान भर रहे हो और उस परसेंटेज के मुताबिक आप 2% क्रेडिट कार्ड चार्जेस भर रहे हो, दैट बिकम्स अ बिट टू मच। सो द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली कम आउट विद अ मेजर के अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे हो, डेबिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हो, तो जो भी चार्जेस है उसके ऊपर कैप लगा देना चाहिए कि 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से ज़्यादा बैंक चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि बैंक के लिए और जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, उनके लिए जो लेबर कॉस्ट है वो तो एक ही पड़ता है। ठीक है, तो 10,000 के ऊपर भी वही दाम और 50,000 के ऊपर भी वही दाम इज नॉट फेयर। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, शुक्रिया जी बिजनेस को समझ देने के लिए। लेकिन हमारा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिरकार 500 और 1000 के नोट आपने बंद तो कर दिए, लेकिन फिर 2000 के नोट को लेके आने की जरूरत क्या है? अगर जो चीज़ें 500 और 1000 के नोट के साथ बुरी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो तो 2000 के साथ भी होंगी, तो किसको श्रेय दिया जा रहा है? दूसरा, वित्त मंत्रालय के मुताबिक नोटों का जो इस्तेमाल है वो आतंकी घटनाओं में भी होता है, तो ये तो अभी भी हो सकता है। तीसरा, जी मीडिया को ये सवाल होगा, ये कैसे गारंटी दे दी जाएगी कि यहाँ पे इन चीज़ों की फेक करेंसी का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो पहले ही लीक होके आ जाती हैं तस्वीरें, और ये गारंटी कैसे दी जाएगी जो चिप लग भी जाएगा वो ठीक चिप होगा या फिर ख़राब चिप तो नहीं है, चिप एक्टिवेटेड है या नॉन एक्टिवेटेड है? सोशल मीडिया पे अगर पिक्चर लीक होके आ सकती है तो फेक करेंसी को कैसे रोका जा सकता है? दूसरी, भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब 93,000 है, उसमें अभी तक जो नोटों के हिसाब से देखें 1,000 जो कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन है 93 नोट दिए जाते हैं। 2,000 कर देंगे तो आप सिर्फ 45 नोट्स में भी अपने सालाना आमदनी को सिर्फ गिन लेंगे, तो ये कितना तर्कसंगत है आम आदमी तक? ये अभी समझ से थोड़ा बाहर है और उम्मीद करते हैं सरकार जवाब जरूर देगी इसकी। दूसरा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी सिक्योर करेंसी नहीं है, उनके भी करेंसी में फेक या फिर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो भारतीय नोट कितने सिक्योर होंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपके जो साथ में आपका पड़ोसी देश है वो इसी तरह की फेक करेंसी के चलन में है, और कॉस्टिंग अगर कम हो जाती है तो नो डाउट उनको भी फायदा होगा। इस बीच सरकार कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन 2000 के नोट भी छापे जा रहे हैं, तो कैशलेस इकोनॉमी को कैसे किया जाएगा? और साथ ही ATM के नोट निकालने पर जो लिमिट बना दी गई है, ये कम से कम एक सर्जिकल स्ट्राइक आम आदमी पर भी है। हो सकता है ब्लैक मनी से ज़रूर रुके, लेकिन आम आदमी की दिक्कतें बढ़ेंगी। ये जो तस्वीरें अभी आप जाम की भी देख पा रहे थे, हमने आपके सामने रखा, ये सभी वही चीज़ें हैं जो इस सर्जिकल स्ट्राइक का, हम जिसे कह रहे हैं कि, हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का व्यू भी एक बार सुन लेते हैं जो कि 2000 के नोट पर उन्होंने क्या कहा। अमेरिका में हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट $100 की होती है, तो उनका जो पर कैपिटा इनकम है $40,000। एग्जैक्टली, $100 की नोट उनके एवरेज इनकम के 0.25% है। हमारी हजार वाली नोट 1% है, कि डिनोमिनेशन इज टू हाई। दूसरी बात यह है कि कई राज्य सरकारों में इवन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को अभी इंस्ट्रक्शन गया है ठेकेदारों को कि उनके एम्प्लॉइज को भी डायरेक्ट नेट बैंकिंग से उनकी सैलरी और PF हो जाना चाहिए। तो जैसे हमारी अभी मैंने कहा कि 224 करोड़ जो 240 मिलियन अकाउंट भी खोले गए हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट पेमेंट, लोगों की तनख्वाह पेमेंट अगर नेट बैंकिंग से होती है तो आपको 1 लाख रुपए कैश में देने की जरूरत नहीं है। इस बीच एसएल ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी यही कहा कि 2000 के नोट की आखिरकार जरूरत क्यों है, क्योंकि जो 500 और 1000 के नोट के साथ दिक्कत है, चाहे आप कितनी भी सिक्योर करेंसी बना लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। हम इसका बहुत वेलकम करते हैं, ये इसका बहुत अच्छे होंगे। देखिए भैया, चाहे प्रधानमंत्री जी कहें, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमें 2000 रुपए का नोट हमें क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए। चाहे भले आप ट्रैक कर सकें, लेकिन क्यों चाहिए आप, क्योंकि जितना नोट कैश जो प्रिंटेड नोट है, आपको अगर आप बैंक के माध्यम आपको डील नहीं करना हो तो मैं पर्सनली इस बात के विरोध में हूँ कि 2000 रुपए का नोट प्रिंट होना चाहिए, भले ही उसमें कितने भी सेफ्टी मैकेनिज्म लगे हों। तो लगातार सवाल उठते रहेंगे और जी मीडिया ने जो 10 सवाल की लिस्ट उठाई है और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके जल्द से जल्द जरूर जवाब देगी। लेकिन अभी आप देखें, फिर से कच्चे तेल के अंदर गिरावट बढ़ रही है, हेज कमोडिटीज तेज हो रही हैं और बाजार के अंदर भी करीब 0.25% के आसपास का 3%, 4.5% का माफ कीजिए गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है, बढ़ रही है, क्योंकि यूएस से आंकड़े आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं, गंभीर हैं, क्योंकि बाजार उसके लिए तैयार नहीं था। कम से कम ट्रंप की इस तरह से विक्ट्री होगी इसके लिए कि कम से कम जो बाजार है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, पूरी तरह से तैयार नहीं था। और दीपाली भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपाली, अभी तक के जितने भी एक्सपर्ट से हमने बातचीत की या जितना भी व्यू हमको मिला, कम से कम इंडियन स्टॉक मार्केट में 200 से 250 पॉइंट का स्विंग एक बार और मिल सकता है, क्योंकि जो पुल बैक आया था वो शायद फिर से फिजल आउट हो जाएगा जब फाइनल नंबर्स आ जाएंगे। बिल्कुल, आप और उसका देखिए आप शुरुआती रिफ्लेक्शन देख भी सकते हैं। जो स्मार्ट रिकवरी हमने देखी थी वो रिकवरी थोड़ी सी तो धूमिल हो रही है। आप देखिए अब निफ्टी वापस थोड़ा सा नीचे आ रहा है और 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी इंडेक्स पर अभी देखी जा रही है। 8220 के स्तर पर अभी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 1000 अंक नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। निचले स्तर उसे डेफिनेटली थोड़ी सी रिकवरी दिखी है, लेकिन ये रिकवरी को देखते हुए विश्वास करना चाहिए वो तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कॉशियस से भी रहने की जरूरत है, क्योंकि 1000 पॉइंट का डिप अभी भी सेंसेक्स में है और ये कमजोरी यहाँ से और स्ट्रेच हो या फिर बड़े स्विंग्स आपको आज कामकाज के दौरान मिले, इसकी संभावना काफी नजर आ रही है। लेकिन डेफिनेटली हैमरिंग हुई है इंडियन मार्केट्स की और वो प्रेशर साफ तौर से देखा जा रहा है। तमाम सेक्टर और इंडाइसेस आज के सेशन में भारी दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये सेक्टर इंडाइसेस का बिहेवियर आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक 3.5% नीचे है, ऑटो इंडेक्स में भी 4.5% कमजोरी देखी जा रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो यहां भी 8% से ज्यादा की कमजोरी है। आईटी में भी 4% का रिएक्शन अभी देखा जा रहा है। तो कोई भी इंडेक्स आप उठा के देखें आज के सेशन में दबाव साफ तौर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और 5%, 6%, 8% इतना डिप हम इन सभी इंडेक्स पर देख रहे हैं। एक बार स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा बिकवाली आज के सेशन में इस दो बड़े इवेंट्स के बीच में कहां हो रही है। अगर आप सेक्टर इंडाइसेस तो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन अगर निफ्टी लूजर्स को देखेंगे जो कमजोर स्ट्रक्चर्स हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट बड़ा स्टॉक लेकिन 8% नीचे, अंबुजा सीमेंट 8% नीचे है, एसीसी बीएचएल यहां भी 7 से 8% की कमजोरी अभी भी देखी जा रही है। एसीसी, अदानी पोर्ट्स, हिंडालको, हीरो मोटोकॉर्प ये कुछ और वीक स्टॉक्स हैं आज के सेशन में जहां पर बिकवाली हावी हुई है। टाटा मोटर्स, येस बैंक, कोई भी सेक्टर का कोई भी शेयर आप उठाइए कमजोरी है और कहीं ना कहीं जो ट्रेडर्स हैं वो कॉशियस हैं। 8209 के लेवल पर अभी इंडेक्स आ चुका है। अगर मिड कैप का हाल देखें तो हैमरिंग बेंच बड़े इंडाइसेस के साथ साथ जो छोटे इंडेक्स हैं यानी मिड कैप, स्मॉल कैप हैं वहां पर भी हुई है। और मिड कैप के लूजर्स को आप देखें तो यहाँ तो बिकवाली का क्वांटम और भी हाई है। इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, यूनिटेक, सेंचुरी टेक्सटाइल, देखिए रियल्टी के लिए डेफिनेटली जो चिंताजनक स्थिति है वो जो स्क्रैप हुए हैं 500 और 1000 के नोट वो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस तरह से कुछ देर पहले डिम्पी बता रहे थे कि जो कैश में ट्रांजेक्शन होती हैं वो रियल्टी और साथ ही साथ जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में होती है और रियल्टी पर आप इसका असर साफ तौर पर देख सकते हैं। मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरने वाले जो शेयर्स हैं उस कैटेगरी को रियल्टी स्टॉक्स लीड कर रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अभी भी आप देखें 17 से 18% कमजोरी लेकर कामकाज कर रहा है। ये सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, टाइटन देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की हम बात कर रहे हैं और टाइटन करीब 11% नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। रिलायंस कैपिटल, ऑप्टो सर्किट्स, तो माना यही जा रहा है कि जो भी ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, देखिए दो बड़े इवेंट है, एक तरफ यूएस इलेक्शंस का आउटकम और दूसरी तरफ जो ये 500 और 1000 के नोट के स्क्रैपिंग की बात हुई है और इसी का असर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन अब बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर आर चंद्रशेखर मौजूद हैं, प्रेसिडेंट नासकॉम से। मिस्टर चंद्रशेखर, दीपाली this side from Noida studio, good morning and welcome to the show sir. पहला क्वेश्चन तो यही होगा, हम आपसे पिछले 3-4 दिनों से लगातार बात कर रहे हैं कि हु विल लीड एंड फाइनली जो पिक्चर है हमारी स्क्रीन पर उसमें 232 सीट्स पर ट्रंप लीड कर रहे हैं. आपका इनिशियल रिएक्शन इस डेवलपमेंट पर? देखिए, although the opinion polls were indicating a very finely balanced race, the possibility of Donald Trump winning was always there. It was not ruled out. And now what we are seeing is that contrary to the expectations and projections, he is quite likely to win, although it is still too early to say definitely. There is still a possibility of some surprises, although it seems very unlikely at this point. So if he were to come through, then I think that is going to have significant implications for India and for the world. So Mr. Chandrasekhar, if Trump wins, in that scenario, what could be the implications from an immigration perspective? क्योंकि ये एक बहुत ही important key issue रहा है US में. देखिए, इमिग्रेशन इस वक्त एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जिसके वजह से ब्रेक्सिट का भी वोट हमने देखा है, उसका नतीजा क्या हुआ और फैसला कैसे आया. और यूएस इलेक्शन में भी इमिग्रेशन बार बार एक सवाल उठाया जा रहा था. बट इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द कंसर्न विथ रिगार्ड टू इमिग्रेशन हैज़ बीन विथ रिगार्ड टू अनस्किल्ड इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स एंड रिलेटेड इश्यूज़. High-skilled immigration, which is what is important for the IT industry, has been a smaller part of the debate, although it has been quite visible and we have been following it quite closely. But I think we have to see a balance between the statements which were made with regard to immigration and the statements which were made with regard to India-US economic and trade relationship. Both the candidates, Donald Trump and Hillary Clinton, repeatedly emphasized the importance of the India-US relationship, and in fact Mr. Donald Trump went even a step further and said that India and the US would be the best of friends and that this relationship would be the most important from the US point of view as well. So I think that going forward, as the new administration comes into office, a view will have to be taken on immigration. Both of them have said that this would be high on their priority, but it will have to balance the need for sustaining economic growth in the US and between what kind of curbs or restrictions are placed on immigration. So when you look at it from that point of view, I think the role of the Indian industry in helping the US economy, in helping corporate America to create jobs, in helping to overcome the skill shortage which exists in the US, will have to form part of the calculation. And we are quite optimistic that when this is done, we will see a far more balanced and measured approach. So whichever administration comes in, we would certainly work with them to actually bring out all these aspects. जी, मिस्टर चंद्रशेखर, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को बता देते हैं. S&P फ्यूचर्स में ट्रेडिंग पर रोक लगी है. दरअसल एक भारी गिरावट के बाद, 5% की गिरावट के बाद S&P फ्यूचर्स में ट्रेडिंग पर रोक लगी है और डाउ फ्यूचर्स भी 800 अंक तक लुढ़का है. और ये असर है इलेक्शन आउटकम्स का. 232 सीट्स पर जो अब तक का इलेक्टोरल मैप है उसमें 232 सीट्स पर ट्रंप लीड कर रहे हैं और 209 सीट्स पर हैं हिलरी क्लिंटन. और अगर इंडियन टाइम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 8 बजे ये जो ट्रेडिंग है वो रुकी है, क्योंकि ट्रंप अभी 232 सीट्स पर लीड कर रहे हैं, यानी जीत से करीब करीब 30-35 पॉइंट्स ही सीट्स से ही वो महज पीछे है. तो इसी का असर है ये जो हम यूएस फ्यूचर्स पर देख रहे हैं. डाउ फ्यूचर्स ऑलरेडी 800 पॉइंट के डिप के साथ ट्रेड कर रहा है और अगर S&P फ्यूचर्स को देखें तो वहां भी 5% की वीकनेस के बाद ट्रेडिंग रुकी है.